के रायबरेली, अमेठी, अयोध्या और लखनऊ में आज थम जाएगा प्रचार। पूरे दिन आज अमेठी में प्रियंका गांधी संभालेंगे भाई राहुल के प्रचार की कमान। अमेठी में सुबह 10:30 बजे से शाम 4:15 बजे तक होगा प्रियंका का रोड शो। राहुल गांधी की आज अमेठी में अंतिम दिन, बहन प्रियंका के साथ करेंगे प्रचार। अमेठी में आज बीजेपी भी लगाएगी पूरा दमखम। स्मृति ईरानी के लिए आज दोपहर 1 बजे रोड शो करेंगे अमित शाह, बाद में जाएंगे रीवा। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में अभिनेता से नेता बने सनी देओल करेंगे रैली। 3 बजे से शाम 5 बजे के बीच रायबरेली में बाइक रैली भी करेंगे। दिल्ली में आज सुबह 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस हेडक्वार्टर पर मीडिया से होंगे मुखातिब। शाम 6 बजे गुड़गांव में करेंगे रैली। यूपी में आज पीएम मोदी की 2 रैलियां। पहली रैली प्रतापगढ़ में सुबह 11:30 बजे, बाद में बस्ती जाएंगे पीएम मोदी। 3:30 बजे बिहार के वाल्मीकि नगर में भी पीएम मोदी की रैली। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन। शाम 5 बजे के प्रचार पर रोक। 6 मई को होगा 5वें चरण का मतदान। 7 राज्यों की 51 लोकसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 6 मई को यूपी के 14, राजस्थान की 13 लोकसभा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर होगी वोटिंग। बिहार 5, झारखंड की 4 सीटों पर और जम्मू कश्मीर की 2 लोकसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। बाराबंकी में रैली के लिए सीएम योगी के हमशक्ल योद्धा के साथ पहुंचे अखिलेश यादव की टिटोली। कहा, इन्हें पहचानिए, ये गोरखपुर जा रहे थे लेकिन हम आपके लिए इन्हें बाराबंकी ले आए। अखिलेश यादव ने की मांग, सांड या किसी आवारा पशु से हुए हादसे पर सीएम योगी के खिलाफ दर्ज हो केस। बाराबंकी में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वाराणसी में तेज बहादुर का नामांकन रद्द होने का उठाया मुद्दा। कहा, एक सिपाही चुनाव लड़ने चला गया तो पूरी सरकार हिल गई। बांदा में रैली में सीएम योगी ने प्रियंका गांधी पर बच्चों को गाली सिखाने का लगाया आरोप। वायरल वीडियो का दिया हवाला। सीएम योगी को आखिरकार आई आवारा पशुओं की समस्या की याद। बोले, जहां गौशाला नहीं बनी वहां 23 मई के बाद मैं तय करूंगा जवाबदेही। कैसरगंज के बीजेपी उम्मीदवार ब्रजभूषण शरण सिंह मायावती पर पलटवार में भूले भाषा की मर्यादा। तो मायावती पर बोल रहा हूं, देखिए वो मुझे उन्होंने कहा, तो मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश और मैंने आज तक कोई वसूली नहीं किया, लेकिन उसने सुनियोजित तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश को लूट लिया। मायावती ने कैसरगंज के बीजेपी उम्मीदवार ब्रजभूषण शरण सिंह पर गठबंधन उम्मीदवार को धमकाने और दफ्तर पर हमला करने का लगाया आरोप। रघुराज प्रताप सिंह से सबक सीखने की नसीहत दी। अच्छी प्रकार से इनको प्रतापगढ़ जिले के राजा भैया से सबक सीख लेना चाहिए। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने भी गोंडा में की रैली। बोले, योगी सन्यासी भगवान की पूजा करते हैं, मोदी की नहीं। रायबरेली में कल प्रियंका गांधी ने मां सोनिया के लिए मांगे वोट। हनुमान मंदिर से शुरू किया रोड शो। रायबरेली में प्रियंका ने खेला इमोशनल कार्ड। कड़ी धूप में गाड़ी से निकलकर एम्बुलेंस को जाम से निकलवाया। रायबरेली में प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, किसानों की नहीं सुनते प्रधानमंत्री। मतदान से पहले राहुल गांधी ने अमेठी के लोगों के नाम लिखी चिट्ठी। कहा, अमेठी कर्म भूमि और इसकी सोच को पूरे देश का समर्थन। राहुल गांधी ने चिट्ठी में लिखा, कांग्रेस के सिस्टम में मालिक जनता है जबकि बीजेपी के सिस्टम में अनिल अंबानी है मालिक। रायबरेली में कल प्रियंका गांधी ने किया रोड शो। महाराजगंज में प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी छोटी बच्ची से किया दुलार। परिजनों ने साथ में ली सेल्फी। पूरी रात किसान बैठता है, अपनी खेत की चौकीदारी करता है। ये लोग कहते हैं चौकीदार हैं, किसके चौकीदार हैं? मायावती ने भी कांग्रेस पर किया वार। बोली, आजादी के बाद ज्यादातर सत्ता कांग्रेस पार्टी के हाथों में रही, लेकिन इसके बावजूद भी गरीबी बेरोजगारी दूर नहीं हो सकी, किसान भी रहे दुखी। लखनऊ के कपूरथला में कल बीजेपी उम्मीदवार राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी की रैली। लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बीएसपी गठबंधन और कांग्रेस पर किए करारे वार। भोपाल में उमा भारती ने बयां की साध्वी प्रज्ञा की पीड़ा। कहा, आतंकी कसाब को मिला मिनरल वाटर, साध्वी को क्या मिला कह नहीं सकती। उमा भारती गांधी परिवार पर किया वार। बोली, इस परिवार में नेहरू असली लेकिन गांधी फर्जी जुड़ा है। उमा भारती ने कहा, भारत में खान सरनेम जुड़ा हो तो हम खान चाचा खान भैया कहते हैं, जबकि अमेरिका में सरनेम पर होती है पूछताछ।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कांग्रेस पर वार, बोले गांधी परिवार से गरीबों की गरीबी नहीं हटी, कांग्रेस के चमचों की गरीबी हट गई। गडकरी ने राहुल गांधी परिवार पर कसा तंज, बोले खाओ खींचो बाप का माल है, जितना लूटना है लूटो, एक पाव डटाओ गरीबी हटाओ। यूपी के फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने बंजारों के साथ पकाया खाना, वीडियो हुआ वायरल। जालंधर में शिवसेना ने सनी देओल पर भगवान शिव की फोटो की बेअदबी का लगाया आरोप, फोटो दिखाकर पुलिस से की शिकायत। चुरू में अमीषा पटेल और चंकी पांडे ने किया रोड शो, कांग्रेस उम्मीदवार रफीक मंडेलिया का किया प्रचार। बिहार के मुजफ्फरपुर में नीतीश की रैली के दौरान भिड़े एनडीए समर्थक, जमकर हुई हाथापाई। सीतामढ़ी में प्रचार के दौरान बोले गिरिराज सिंह, बटला हाउस एनकाउंटर के बाद आतंकियों की फिक्र में, सोनिया गांधी को रात भर नहीं आई नींद। जयपुर में आज पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और डिप्टी सीएम सचिन पायलट का आमना सामना, दोनों करेंगे रोड शो। बीजेपी नेता सनी देओल भी आज राजस्थान के चुरू और जयपुर में करेंगे रोड शो। राजस्थान के हनुमानगढ़ में प्रचार के दौरान अभिनेत्री महिमा चौधरी हुई घायल, चलते चलते टूटा वैन में बना मंच। हिंदू टेरर अ कॉन्स्पिरेसी के लेखक आरवीएस मनी ने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को बताया साजिश, तत्कालीन सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। आरवीएस मनी के मुताबिक हिंदू आतंकवाद के आरोपों से पहले तत्कालीन सरकार के गृह मंत्रालय से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी गए थे पाकिस्तान, कहा मैं सच के साथ हूं, इसलिए व्यास लेकर लिखी किताब। दिल्ली में आज सीएम केजरीवाल करेंगे रोड शो, शाम 5 बजे करमपुरा इलाके से शुरू होगा रोड शो। कल उत्तर पूर्वी इलाके में दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने किया रोड शो, कांग्रेस से डरे, कांग्रेसियों से की फरियाद, अगले चुनाव में कांग्रेस को दे वोट। दिल्ली में बीजेपी प्रचार में झोंक रही है पूरी ताकत, गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने कल की रैली। दिल्ली में पहाड़ी मतदाताओं पर टिकी बीजेपी की नजर, उत्तराखंड में मंत्री सतपाल महाराज पूरी टीम के साथ प्रचार मैदान में उतरे। फतेहाबाद में हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का हुआ विरोध, लोगों ने किया सवाल, बेटी बचाओ और पढ़ाओ का दिया नारा, लेकिन स्कूल को नहीं दी ग्रांट। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, बीजेपी में शामिल हुए गांधीनगर के विधायक अनिल वाजपेयी। हाजीपुर में प्रचार के लिए पहुंचे चिराग पासवान को महिला ने सुनाई खड़ी खोटी, कहा वोट लेने सब आते हैं, वोट के बाद कोई नहीं आता। बिहार के छपरा में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की बाइक रैली, कहा भाई से नहीं है कोई विवाद। बिहार के मुजफ्फरपुर में नीतीश कुमार की चुनावी सभा से पहले बवाल, आपस में भिड़ गए बीजेपी और जेडीयू के समर्थक। कार्ति चिदम्बरम की विदेश यात्रा की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई, टेनिस खेलने का दिया है हवाला। नई दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन ने किया जागो कार्यक्रम, महिलाओं ने किया गिद्दा डांस। जयप्रदा ने भरी हुंकार, 23 मई को आने वाले नतीजे साबित कर देगा यह आजम खान का था आखिर चुनाव। सभा में पीएम मोदी को चोर कहने पर राहुल गांधी के खिलाफ एक और मानहानि की याचिका, वकील सुनीता गुप्ता ने याचिका लाई। सुनीता ने राहुल पर 1,000 करोड़ का मानहानि का दावा किया, जीतने पर इस धनराशि को प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कराने की बात कही। यूटी में झारखंड के सीएम रघुवर दास ने की विजय संकल्प रैली। रीवा में कांग्रेस नेताओं में बदसुबानी की मची होड़, सीएम की मौजूदगी में मंत्री लखन गनगोरिया ने बीजेपी को बताया गोडसे की औलाद। पूर्व मंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष पुष्पराज सिंह ने भी लांघी मर्यादा, बीजेपी नेताओं को बताया नपुंसक। धौलपुर में सीएम गहलोत की मौजूदगी में विधायक ने वोट मांगने के लिए दी अनोखी दलील, कहा याद करो जब आपकी बाइक पुलिस पकड़ती है तो हम ही उसे छुड़ाते हैं। बाबर के औलाद वाले बयान पर चुनाव आयोग ने गिरे योगी की सफाई, कहा चुनावी मंच से विरोधी पर हमला नहीं तो क्या भजन करेंगे। हिंदुओं के हिंसक होने वाले बयान पर गिरे सीताराम येचुरी, शिवसेना ने जताया कड़ा एतराज। उड़ीसा में फोनी तूफान ने मचाई तबाही, 8 लोगों की मौत, 107 लोगों के घायल होने की खबर। सुबह के करीब 9 बजे उड़ीसा के पूर्वी तट से टकराया फोनी तूफान, 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ भारी बारिश। पुरी में करीब 3 घंटे की तबाही मचाने के बाद आगे बढ़ गया फोनी तूफान, भगवान जगन्नाथ की नगरी की बिगड़ी सूरत। ओडिशा के दूसरे जिलों में भी फोनी तूफान का जोरदार असर, बालासोर में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है हवाएं। ओडिशा के पारादीप में भारी बारिश, प्रशासन की तरफ से जारी की गई चेतावनी, कटक का भी दहशत का तूफान। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में रेल पर दिखा फोनी तूफान की हवाओं का असर, घंटों तक पटरी पर खड़ी रही ट्रेन। फोनी तूफान की वजह से समुद्री जहाजों की आवाजाही पर लगा ब्रेक, कोलकाता में बंदरगाह पर
आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में तूफानी हवाओं का जबरदस्त असर, नारियल और आम के बागीचों को नुकसान। केरल में भी फोनी तूफान का अलार्म, समंदर की लहरों से कई घरों को नुकसान। अरुणाचल प्रदेश में फोनी तूफान से प्रभावित लोगों के लिए मांगी गई दुआ, स्कूलों में खास प्रार्थना सभा का आयोजन। उड़ीसा में फोनी प्रभावित इलाकों में कोस्ट गार्ड ने भी झोंकी ताकत, राहत सामान पहुंचाने में लगे जहाज। आसनसोल के जामुड़िया में फोनी तूफान का कहर, 22 घर पूरी तरह से तबाह। मध्य प्रदेश के सतना में भी मौसम ऊट पटांगा, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश। नेपाल की राजधानी काठमांडू में भी मौसम ने मारी करवट, भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल। कुशीनगर में आंधी और तूफान के बीच गिरी बिजली, 2 लोगों की मौत। तूफान फोनी ने पश्चिम बंगाल में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मचाई तबाही। खड़गपुर, मिदनापुर, नादिया, मुर्शिदाबाद, 24 परगना में दिखा असर। पश्चिम बंगाल के दीघा में फोनी तूफान का कहर, एक बाउंड्री ढही, कई पेड़ हुए क्षतिग्रस्त। रांची में मौसम ने बदली करवट, हुई भारी बारिश। भुवनेश्वर में तूफान में गिरा एक कॉलेज की दीवार का हिस्सा, कैमरे में कैद हुई तस्वीर। रोहतांग के करीब बर्फ से पटा इलाका, रास्ता साफ करने का काम जारी। दिल्ली नोएडा फ्लाईओवर पर एक शख्स ने की खुदकुशी, रेलिंग से लगाई छलांग। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पुलिस ने एक महिला को किया गिरफ्तार, सुपारी देकर पति की हत्या कराने का आरोप। कपूरथला में भरे बाजार में हुआ युवक का कत्ल, बाइक सवार बदमाशों ने धारदार हथियार से किया हमला। गुवाहाटी में वन विभाग की टीम ने घायल रॉयल बंगाल टाइगर को किया रेस्क्यू। तेलंगाना के कमारेड्डी में एक जवान ने खुदकुशी की कोशिश की, खुद को मारी गोली, अस्पताल में भर्ती। बारात में खराब खाने को लेकर हुए विवाद में दुल्हन के भाई की हत्या, दूल्हे के भाई पर कत्ल का आरोप। अमरेली में एक गुरुकुल के सीसीटीवी में कैद हुई शेर की तस्वीर, बच्चे और परिजन खौफजदा। मंडी के सुंदरनगर में नहर में गिरी कार को लापता। सवाईमाधोपुर में प्रेमी जोड़े ने नदी में खुदकुशी के इरादे से लगाई छलांग, लड़की को किया गया रेस्क्यू, लड़की की तलाश जारी। ऊना में हुए भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, सीसीटीवी में हादसे की तस्वीरें कैद। पश्चिम बंगाल के बारासात रेलवे स्टेशन पर लोगों के लिए ने किया उपद्रव, ट्रेन रद्द होने से की तोड़फोड़। मेरठ में मासूम लड़कियों की यौन उत्पीड़न का आरोपी कोर्ट में पिटा, पुलिस की मौजूदगी में हुई पिटाई। फरीदाबाद में एक पूर्व मंत्री के फार्म हाउस में लगी आग, मैरिज गार्डन को पहुंचा भारी नुकसान। आगरा में यमुना में डूबे 3 लड़कों में से 2 का शव निकाला गया, एक की तलाश जारी है। मऊ में कांग्रेस के पूर्व विधायक पर छेड़खानी का आरोप लगाने वाली पीड़िता ने की खुदकुशी। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।